ओ फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद जो भारत में संगठन बने हैं उनके बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में कांग्रेस की स्थापना के पहले के संगठन हम लोगों ने देखा, यानी कि 1885 के पहले भारत में कौन कौन से संगठन बने और इसके बाद जो है भारत में कौन कौन से संगठन बने इसके बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले 85 वाला तो हम समझ ही चुके हैं, आपको बता चुका हूँ मैं, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में अलीगढ़ में। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किए थे। इसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उदारवादी नेता थे और गांधी जी, महात्मा गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने किया था 1905 में और इसके दौरान उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ओके, इसके बाद है दोस्तों होम रूल लीग। अब होम रूल लीग को लेकर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो याद रखिए एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोगों ने मिलकर के किया था होम रूल लीग की स्थापना और पुणे में किया था 1916 में। इसी के बाद से एनी बेसेंट हाईलाइट हो गई थी, इसीलिए 1917 में उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसको बनाया था मदन मोहन मालवीय, इंद्रा नारायण और गौरी शंकर ने मिल करके और स्थापना हुआ था लखनऊ में 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने। अब बताओ आपने सुना कभी महात्मा गांधी के बारे में? बहुत सारे लोग जानते हैं क्या वो सुने? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो क्या आप बताओ, उसके सामने अगर बहुत सारे ऑप्शन हो साथ में महात्मा गांधी हो तो मुझे नहीं लगता कि लोग महात्मा गांधी को टिक करेंगे। लेकिन आप जानिए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद में और कब, 1918 में, जब उत्तर प्रदेश किसान सभा बना था। इसी समय हुआ था नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था कलकत्ता में 1918 में, नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीपल्स सोसाइटी एम एन राय ने इसकी स्थापना किए थे 1920 में ताशकंद में। क्या हुआ था ताशकंद में? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी जो है वो लाला लाजपत राय जी ने 1920 में किया था लाहौर में। अंतर समझिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे दे रहे हैं ना राजनीतिक गुरु थे किसके, महात्मा गांधी जी के, लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी जो है वो लाला लाजपत राय। यही कन्फ्यूजन बनता है, जल्दीबाजी के चक्कर में गलती होती है। अवध किसान सभा ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था रामचंद्र गौरी शंकर के साथ मिलकर के प्रतापगढ़ में 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी संस्थापक थे, जबकि लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में लखनऊ में। ठीक है, कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडियन इसको नलिनी गुप्ता ने बनाया था और 1921 में कलकत्ता में, नलिनी गुप्ता, कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडियन। स्वराज पार्टी ये बहुत फेमस है और यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको मोतीलाल नेहरू और सी आर दास माने चित्रंजन दास जिन्हें बनाया था 1923 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल ये इसको स्थापना किए थे सत्य भगत ने 1924 में कानपुर में, अखिल भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ी सी और हैं कमेटियाँ या संस्थाएँ, उनके बारे में भी जान लीजिए। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो इसको हेडगेवार जी ने बनाया था जिसको आरएसएस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1925 में केवी हेडगेवार। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास में 1927 में। श्रमिक स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जो था वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, जबकि श्रमिक स्वराज पार्टी ये काजी नसरुल इस्लाम ने। सब इम्पोर्टेंट है, आप अपना दिमाग मत लगाएगा कि नहीं सर इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, जितना दिया जा रहा है उतना आप पढ़ो और याद रखो, हो सके तो नोट्स बनाओ। ओके, श्रमिक स्वराज पार्टी ये 1928 में काजी नसरुल इस्लाम ने। खुदाई खिदमतगार,
इसको खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता था, और ये एकमात्र ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार, सॉरी नोबेल खरे भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, पेशावर में 1929 में इन्होंने संस्था की स्थापना किया था खुदाई खिदमतगार की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसका स्थापना किए थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना किए थे मुंशी प्रेमचंद्र, इंपॉर्टेंट है ना, लखनऊ में 1936 में किए थे। कौन सी पार्टी? प्रगतिशील लेखक संघ, लेखक संघ। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा एन जी रंगा और सहजानंद जी ने लखनऊ में किया था 1936 में। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित एक और था, ये अखिल भारतीय किसान सभा है, किसानों को लेकर के उत्तर प्रदेश किसान सभा है 1918 में, 18 के 18, 18 दूना 36, तो उत्तर प्रदेश का 18 और अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत का 36, याद रहेगा एक चीज। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का किए थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय बनारस को याद कर सकते हो, बीएचयू को मदन मोहन मालवीय के नाम पर, और इंद्र नारायण और क्या हो जाएगा गौरीशंकर, इन लोगों ने मिलकर किया था, ये उत्तर प्रदेश किसान सभा था। एक था अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू वाला अवध किसान सभा। ठीक है, तो दोनों दो हो गया, और जो तीसरा आया है ये था अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, तो तीनों तीन है, कोई याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, और इस समय जो है नाराज होकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि इनके खिलाफ खड़ा हो गए थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनको फुल सपोर्ट था महात्मा गांधी की तरफ से। ठीक है, लेकिन जब चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है, जिससे महात्मा गांधी को ठेस पहुँचती है कि हमने इन्हें सपोर्ट किया और इनकी हार हो गई, मतलब कांग्रेस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में थोड़ी सी अनबन बनने लगी, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, और बाहर निकलकर स्वराज पार्टी से बाहर निकलकर, यानी कांग्रेस से बाहर निकलकर, स्वराज पार्टी नहीं कांग्रेस से बाहर निकलकर उन्होंने खुद अपना एक पार्टी बनाया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कलकत्ता में उन्होंने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारतीय बोल्शेविक दल, इसकी स्थापना किए थे एनडी मजुमदार ने कलकत्ता में 1939 में, भारतीय बोल्शेविक दल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, इसकी स्थापना किए थे एमएन राय ने, और कलकत्ता में किया था 1940 में, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल, अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 में कलकत्ता में, भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल। क्रांतिकारी समाजवादी दल, सौमेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन इस समय शुरू हुआ था, तो 1942 याद रखिए, क्रांतिकारी समाजवादी दल। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, यहीं पे वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऐसे नई नई टॉपिक को कवर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको स्टडी करने में बड़ी हेल्प मिल रही होगी, और मेरे तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देते हुए चला जा रहा हूँ। दोस्तों हम लोग एक नई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है study91.org। ठीक है, तो ये आपके लिए वेबसाइट तैयार की जा रही है, इस पर आपको तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गूगल के लिए, गूगल प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है, ताकि हम आपको जो है नए नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दे सकें, और आपके लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर सकें, ताकि आप खुद को पहचान सको कि आपकी ये पूरी पढ़ाई आपको कितना आगे ले जा सकती है। ठीक है, तो खाली एग्ज़ाम को मत, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको हर दूसरे दिन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इस प्रैक्टिस से जो है आप और अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे कि एग्जाम में हमारे सामने किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसको देख पाएं। साथ ही साथ वीडियो में जो ऐड आता है दोस्तों, विनम्र निवेदन, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता, सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूं कि उस वीडियो के ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। अगर कोशिश करिए, अगर दिन भर में 2-4-6 बार वीडियो देखने का मौका मिल जाए, तो प्लीज उस वीडियो के ऐड को जरूर से देखा करिए, बस छोटा सा निवेदन है आपसे। और किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए होता तो आप कमेंट कर दिया करो। देखो मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कमेंट जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, एक दिन में लगभग 1000 से अधिक कमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे समय में या सिचुएशन में सभी लोगों को रिप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए, और ज़रूरी है अगर थोड़ा सा साथ देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है,
और जो कुछ भी वीडियो दिया जा रहा है, चाहे एमसीक्यू है, देखिए इस समय जो है आपको वीडियो दिया तो जा रहा है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये सारे वीडियो मैं टाइम से पहले बना दिया हूँ क्योंकि ये सब फरवरी में अपलोड किए जा रहे हैं और थोड़ी सी शादी की प्लानिंग में जो है बिजी हूँ, सिस्टर की शादी में मैंने बताया था आपको, तो उस चीज़ में बिजी हूँ, इसलिए वीडियो को तैयार तो कर लिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो भी आपको डेली टू डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।